वाड़ी के खड़गांव रोड स्थित सोनबा नगर में कबाड़ सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुन्ना रामप्रसाद साहू का अनमोल स्क्रैप सेंटर है। उन्होंने सुबह 10:30 बजे अपनी दुकान खोली थी। सामने से गुजर रही बारात में आतिशबाजी के दौरान उड़ी चिंगारी से गोदाम के स्लैब पर रखे प्लास्टिक के कबाड़ सामान में आग लग गई। सूचना मिलने पर वाड़ी पुलिस और नगर परिषद के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल अधिकारी रोहित शेलारे, फायरमैन आनंद शिंदे, शुभम डांगले, अनूप धोपटे, राहुल बंजारी गाड़ी नंबर MH31DS4930 की त्रिमूर्ति नगर अग्निशमन विभाग से चालक दीपक वैद्य, फायरमैन गणेश मसेरे, फायरमैन अनुराग पाटिल ने परिश्रम किया। यहाँ पे कैसा हुआ स्वरूप भाई, यहाँ से शादी के बारात जा रही थी तो ये ने दुकान खोल रखी थी। मैं गाड़ी की हवा भरने के लिए यहाँ पे, गाड़ी की हवा भरने के लिए आने के बाद में इधर जो शादी के बारात जा रही थी तो उनका फटाका फूटा तो ऊपर गया है। इनका प्लास्टिक का जो सामान इनके रखा हुआ, ये प्लास्टिक के सामान को आग लग गई है। आग लगाने के बाद में फायर ब्रिगेड गाड़ी फोन लगाए, फिर आपको सौरभ भाई फोन लगाया, हमने कि आप गाड़ी भेजो, आपने गाड़ी भेजे, इसके बाद में अंदर बुझ गई है। लेकिन इनका नुकसान 40-50 हजार का नुकसान हो गया इनका। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।